देखिए, ये जो एक प्रश्न है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये चुनौती उस दिन से थी जिस दिन से मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। ये चुनौती कोई रोज़ की नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ये एक निरंतर संघर्ष है और सभी सरकारें इसमें अपना पूरा प्रयास करती रही हैं। तो ये जो स्थिति है ये कुछ चर्चा में ज़्यादा आ गई है। आप ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक हो गया है, कुछ अनयूजुअल हो गया है, कुछ सरप्राइज़ आ गया है, क्योंकि हम लोग जो है ना, हिमाचल जो है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों जो हैं वो बहुत हद तक प्रभावित होते हैं फाइनेंस कमीशन से। फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है वो 5 वर्षों के लिए आता है, तो ये अवार्ड जो था उसको आए हुए 3 वर्ष हो गए हैं। तो जिस दिन पहले दिन अवार्ड आया था उसी दिन मालूम था कि पहले वर्ष में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा और आने वाले वर्ष में क्या होगा। तो देर इज़ नो सरप्राइज एंड चर्चा में ज़्यादा है फॉर वेरियस रीजंस। ऐसे बहुत निर्णय आते हैं, आप लोगों ने एक ही देख लिया, ऐसे बहुत निर्णय आते हैं। वो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिस इज़ मोर इन डिस्कशन, कभी आप बैठें और देखें, ऐसे तो बहुत निर्णय आते हैं। देखिए 2026 तक तो हमें बहुत हद तक स्थिति मालूम है कि हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आ गया है। लेकिन आप ये देखिए, जो कभी नहीं हुआ है इस प्रदेश में 50 वर्षों में, वो ये हो रहा है कि रिसोर्स जनरेशन के बहुत प्रयास हो रहे हैं, है ना। हालांकि उसको भी वो सकारात्मक रूप से आप लोग देखते नहीं हैं, बट आप ये देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अनपॉपुलर डिसीजन लेना नहीं चाहती। कौन लेना चाहता है, बट उसके बावजूद भी लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमको सबको मालूम है कि वित्तीय स्थिति जो है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने तो आपसे यहाँ तक कहा कि मैं तो पूरी नौकरी में ये चैलेंजेस हमेशा देखें। अभी सर स्टेट की स्थिति ठीक है या कि नहीं? स्टेट की स्थिति में मतलब, मैं स्टेट की स्थिति जब तक लोगों को तथ्य नहीं मालूम होंगे तब तक वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। मतलब ऐसा कुछ, कोई ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, कुछ अनयूजुअल चीज़ें नहीं हैं, बट कुछ चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा हो जाती है।